हाय स्टूडेंट्स, मैं सुनिधो मदुची, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं टेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। और आज आप लोगों को जैसे कि थंबनेल से ही पता चल चुका है कि आज की हमारी जो टॉपिक होने वाली वो क्या होने वाली है बेटा, द सेल का वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है बेटा हमारी सेल एंड सेल थियरी से। सेल को सबसे पहले अगर हम लोग बेटा देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सेल है उसमें अगर फीचर्स ऑफ सेल्स की बात करें तो फीचर्स ऑफ सेल में हम लोग कहते हैं कि भैया जो सेल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ऑर्गेनिज्म, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल क्लस्टर अप टू फॉर्म टिश्यू दैट फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम दैट फॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए हम क्या देखते हैं बेटा कि इस सेल बायोलॉजी में पूरी चीज़ें आपने देखी, इसमें हमने सीधे सीधी बात की कि हमारी जो सेल्स है वो क्या है बेटा, बायोलॉजिकल स्मॉलेस्ट यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की। और साथ में जो बेटा है वो हमारी क्या करती है, जो सेल्स होते हैं, अब ये सेल्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। साथ में हम क्या देखते हैं बेटा कि जैसे आपके घरों को बनाने के लिए, किसी एक घर को बनाने के लिए हमारी कई सारी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए कई सारे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि ऐसे ही हमारे सेल्स पूरे बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंड ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर बनाना है या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बॉडी की अगर बात करनी है तो हम क्या देखते हैं बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की अगर बॉडी बनी हुई है तो वो क्या बनी हुई है, हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। क्योंकि होता क्या है बेटा कि सेल्स के जो क्लस्टर होते हैं टू फॉर्म टिश्यू, जो कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, टिश्यू फॉर्म करते हैं। और टिश्यू क्या करता है बेटा, ऑर्गन्स फॉर्म करता है। ऑर्गन्स क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो होती है वो क्या फॉर्म करती है बेटा, ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करती है। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर हमारे सेल्स की बात करें कि आखिर सेल्स हमें ज़रूरत क्यों होती है, तो कुछ सेल्स के फंक्शन है जैसे न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड आपके बोलते हैं बेटा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हमारे हैं तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टीज होता है उनको लिविंग समझने के लिए, जिसके लिए इन सेल्स की क्या है बेटा, अपनी प्रॉपर फंक्शन होती है। जैसे कि सेल्स हमारे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म उसमें चलती है, ट्रांसपोर्टेशन चलता है और हमारा क्या चलता है बेटा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होती है उन चेंजेस को देख के हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये भी हमारा एक आपका फंक्शन है इसका, सेल्स का। अगर आगे देखिए हम लोग कि ये कैसे क्या बनाते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये सेल है, ये सेल्स अपने ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप बनता है सेल्स का वो क्या बनता है बेटा, हमारा टिश्यू बनाता है। टिश्यू हमारे ग्रुप बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होता है वो क्या करता है बेटा, ऑर्गन्स फॉर्म करता है। और ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ ग्रुपिंग में अपने काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम करते हैं और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ ग्रुप में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखते क्या है बेटा, देखिए ये कोऑर्डिनेशन की बात जब हम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है बेटा कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे अपनी क्या दिखाएगा, डिपेंडेंसी दिखाएगा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से। जैसे देखिए अगर हम बात करें एक ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमस तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि ओइसोफेगस क्या ना कर दे, फूड को अपने थ्रू स्टोमस तक पहुंचा ना दे। और जैसे ही स्टोमस में फूड आएगा, फूड को मिक्स करने के लिए स्टोमस चर्निंग करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक फूड हमारे स्टोमस में है तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे शांत रहेंगे, लेकिन जैसे ही चर्निंग के बाद
हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी हमारे फूड की मात्रा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वैसे वैसे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करके उस फूड को डाइजेस्ट करने में अपना वर्क करेंगे। इस तरह से हमने देखा क्या बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो क्या है बेटा, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है, हमारा सेल ही है। कैसे है, देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म्स कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है, और कई सारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन से मिलके बने हैं, और जो ऑर्गन्स हमारे हैं वो ऑर्गन्स कई सारे टिश्यू से मिलके बने हैं, और जो टिश्यूज बने हुए हैं बेटा वो हमारे कई टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि हमारे इस ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, सेल है। अगर ये सेल ना रहता, ये सेल ना रहे तो ये टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे तो हमारे क्या नहीं बनेंगे बेटा, ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, और अगर ऑर्गन्स नहीं बनेंगे तो हमारे बेटा ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो हमारा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बेटा हमारा क्या है, सेल है। दूसरी चीज, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा, क्योंकि बेटा इस ऑर्गेनिज्म में वो कोई भी काम तब तक नहीं चलेगा जब तक ये सेल नहीं होगा, क्योंकि जब सेल ही नहीं होगा, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेंगे, ऑर्गन्स ही नहीं बनेगा, टिशू होगी नहीं, ऑर्गन्स नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, तो हमारे ये जो प्रॉपर अपने लाइफ प्रोसेस करते हैं वो लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, न्यूट्रिशन नहीं चलेगा, यानी कि हमारे जो सेल्स के फंक्शन है बेटा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रुक सा जाएंगे। अगर हम देखें तो आपने देखा कि ये सारे फंक्शन आपके रुक जाएंगे बेटा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, रिस्पॉन्स। तो क्योंकि सेल नहीं है तो ये सारे फंक्शन भी रुक जाएंगे बेटा, तो हम इसीलिए कहते हैं क्या, सेल का फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये यहाँ पे इसने ये डेफिनेशन दे दिया, स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर एक सेल की बात करें तो एक सेल के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं नॉर्मल वे में, तो हम अगर देखते हैं बेटा एक सेल की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए सेल के आउटर मोस्ट में क्या होता है बेटा, उसका सेल वॉल होता है, दूसरा उसके क्या होते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप क्या देखते हो, हमारा लिक्विड पार्ट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल है तो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस पाई जाती है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं बेटा, और हमारी माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो एक सेल्स में हमें मोस्टली सारे सेल्स में, जितने भी सेल्स पाए जाते हैं सभी सेल्स में तीन चीज़ें प्रॉपर वे में पाई जाती हैं, जैसे कि सेल बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को लेके, एक ये बनाती है हमारी सेल बाउंड्री बेटा, दूसरी हमारी साइटोप्लाज्म, और तीसरा हमारा बेटा न्यूक्लियस। ये अलग बात है कि न्यूक्लियस किसी में वेल डेवलप्ड होते हैं, किसी में ना वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि वेल डेवलप नहीं है। आगे अगर हम बात करें बेटा इनके डिस्कवरीज को लेके, तो सबसे पहले सेल की बारे में किसने बताया, यानी कि आप भाई सेल पढ़ रहे हो लेकिन तो सेल के बारे में बताया तुम्हें किसने, ये तो पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले जो सेल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे वो हमारे थे बेटा रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा, क्वाइंड किया था सेल के टर्म को, और इन्होंने बेटा ऑब्जर्व किया था, याद रखिएगा, डेड सेल में। पहली बात तो ये बेटा आप समझिए कॉर्क क्या होती है, कॉर्क बेटा यहाँ पे जो नाम दिया गया है कॉर्क का मतलब ये है कि जो ओल्ड ट्री होती हैं, जो क्या होती है बेटा ओल्ड ट्री होती हैं, उन ओल्ड ट्री के जो आउटर कवरिंग होती है उस आउटर कवरिंग को हम लोग कॉर्क नाम देते हैं, क्योंकि वो सेल्स कैसी होती है बेटा, डेड सेल्स होती हैं, तो क्योंकि उसी डेड सेल से इन्होंने स्लाइस में अपने ऑब्जर्वेशन किए थे, खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप से, आप देखिए
ये इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। इसी माइक्रोस्कोप से बेटा इन्होंने क्या किया था, कॉर्क के स्लाइस। अब देखिए स्लाइस की बात क्या होती है बेटा, कहीं कहीं आपको कॉर्क स्लाइस देखने को मिल जाती है लिखा हुआ, तो याद रखिएगा कॉर्क स्लाइस का मतलब आप देखते होंगे कि जब आप कारपेंटरों के यहाँ जाते हैं तो लकड़ी को छिला जाता है, उसको रंदा मारा जाता है, तो वो रंदा मारा जाता है तो एक पतली सी लेयर निकलती है। उसी तरह से इन्होंने क्या लिया था बेटा, जो प्लांट लिया उस प्लांट के लेयर लिए, एक पतली सी लेयर ली, अपने माइक्रोस्कोप से देखा, और जब माइक्रोस्कोप से देखा बेटा तो इन्हें क्या दिखा, आप ये देख लीजिए, इन्हें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखे। ये स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या देखा कि कई सारे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिख रहे थे, और क्योंकि कंपार्टमेंट थे तो उनका नाम रखना भी ज़रूरी था, इन्होंने देखा लैटिन वर्ड का यूज़ किया, और इन कंपार्टमेंट का जो एक लैटिन वर्ड में मतलब होता है कंपार्टमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा सेल्ला, और उस सेल्ला से इन्होंने टर्म दे दिया इसको क्या, सेल। ठीक, आगे देखते हैं हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट है बेटा वो है एंटी वॉन लीवेनहॉक। एंटी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था बेटा, लाइव सेल्स का डिस्कवर किया था, इसको ऑब्जर्व किया था इन्होंने बेटा। आप याद रखिएगा रेन वाटर या पॉन्ड वाटर कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, तो याद रखिए इन्होंने किया क्या था, सुन लीजिए ये बेटा, एक्चुअली में पहली बात तो ये साइंटिस्ट थे नहीं, तो जब साइंटिस्ट थे नहीं तो ये थे क्या, बात इस पे आके रुक जाती है। पहली बात तो ये बेटा थे हमारे कौन, ग्लास शॉप कीपर थे, और ग्लास शॉप कीपर होने की वजह से बेटा उस समय जिस समय ये लोग अपना डिस्कवरी कर रहे थे उस समय बेटा एक बहुत ज़्यादा क्रेज थी हमारे माइक्रोस्कोप को लेके, और इन्होंने बेटा क्या किया, इस रॉबर्ट हुक के यानी इनके रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से एडवांस माइक्रोस्कोप हमारे लीवेनहॉक साहब ने बनाया, क्योंकि इनका खुद का अपना क्या था बेटा, ग्लास का शॉप था और ये उसके खुद दुकानदार थे, तो इसलिए इन्होंने उस ग्लास की मदद से अपने दुकान की मदद से बेटा एक एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया, और उससे रेन के वाटर यानी कि एक बात हुआ क्या बेटा, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और उससे कई सारी चीज़ों को मैग्नीफाई कर करके देख रहे थे। हुआ क्या बेटा, एक दिन बारिश हुई, बारिश के गड्ढे के पानी में गड्ढा होता है बाहर, जैसे आपके घर के बाहर आप देखते हो कि कई सारे गड्ढे होते हैं, तो बारिश होती है तो वो गड्ढे भर जाते हैं, तो इन्होंने उन गड्ढे के पानी को उठाया और उन गड्ढे के पानी को क्या किया बेटा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा क्या कि उन गड्ढों में एक ऐसे हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है जो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे क्या है बेटा, सेल है, और ये जो सेल्स हैं ये कैसे हैं, लाइव सेल है। ठीक है, अगले हमारे साइंटिस्ट आते हैं बेटा रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इट इज़ द ड्राइविंग इंजन ऑफ ए सेल, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम इसी न्यूक्लियस का होता है। आगे चलते हैं बेटा, आगे इतनी डिस्कवरी होने के बाद आप जो इतनी डिस्कवरी होने के बाद बेटा क्या देखा गया कि हमारी सेल थियरी आई, जिसको देने के लिए बेटा हमारे दो साइंटिस्ट अपने यूजफुल थियरीज को दिए, यानी कि अपने थियरीज को दिए, एक हमारे थे बेटा कौन, सेल्डन, और एक हमारे थे स्वांस, मैथ्यू सेल्डन भी, और हमारे कौन थे बेटा, आपके थियोडर स्वांस साहब थे। थियोडर स्वांस और मैथ्यू सेल्डन साहब दोनों लोग अपनी सेल थियरी थी, लेकिन हम दिया कैसे देख लेते, सेल्डन साहब जो थे ये हमारे बॉटनिस्ट थे, स्वांस साहब जो थे ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपने जो प्लांट थे, इन पत्तियों के, इनके प्लांट के स्ट्रक्चर थे बेटा, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने देखा कि वो प्लांट जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो किसी चीज़ों से मिलकर बन रहे हैं, तो उस चीज़ों से मिलकर बनने को लेके इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को फिर बाद में थियरी में कन्वर्ट कर दिया उस ऑब्जर्वेशन को। ऐसे ही स्वान साहब ने देखा, इन्होंने भी क्या देखा कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, यानी कि जो एनिमल्स थे, वो एनिमल्स भी किसी चीज से मिलके बन रहे थे। इन्होंने बेटा अपनी पूरी सेल थियरी स्टेट की, और सेल थियरी में इन लोगों ने बोला कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन्होंने ये बताया कि ये जो चीज़ों से हमारी प्लांट की लीफ या हमारे ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ और नहीं, वो क्या था बेटा, हमारे सेल। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया सेल थियरी में
स्टेट दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। लेकिन इतनी चीज देने के बाद इन लोगों से जब ये पूछा गया बेटा कि हमारी जो आपके नए सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, तो यही चीज़ों को बताने में ये दोनों लोग क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। तो क्योंकि ये दोनों लोग फेल हो गए तो हमारे नए नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेटा रोडोल्फ डिसोसा है, जिन्होंने एक अपनी पूरी बुक लिखी और उसने लिखा ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसके मीन्स होता है बेटा कि हमारी जो एराइज होती हैं सेल्स, यानी कि सेल्स एराइज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बताया कि हमारी जो नई सेल्स आती है वो हमारे पुराने सेल से ही डिवाइड करने के बाद बनती है। तो इन दोनों के अपने स्टेटमेंट को मिला के पूरी सेल थियरी बनी, जिसमें ये सेल थियरी हमारी बनी द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये तीन लाइन की हमारी पूरी सेल थियरी बोली जाती है। पहला, इस थियरी का मतलब क्या है, देख लीजिए कि इन्होंने बताया कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या है बेटा, हमारा सेल है। दूसरी चीज, इन ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन है बेटा, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप बाय सेल्स। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा, सेल के बने होते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने ये भी स्टेट किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो हमारे नए सेल्स बनते हैं वो हमारे पुराने सेल्स से ही डिवाइड करने के बाद बनते हैं। ये तो बात हो गई बेटा हमारे सेल थियरी को लेके, अब बात आती है हमारे बेटा ओवरव्यू ऑफ सेल्स को लेके। सेल थियरी जब ख़त्म होती है तो हम देखना चाहते हैं कि भाई जो सेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स दिखते कैसे। तो यहाँ भी बेटा देखो, हमने कई सारे सेल्स के आपको इमेज दे रखे हैं, जिसमें हमारा एटिपिकल यूकेरियोटिक सेल्स है, टिपिकल बैक्टीरिया सेल है, पीपीएलओ है, वायरसेस के सेल है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, कोलोनरी एपिथेलियम है, नर्वस सेल है, ट्रैकीट्स है, और हमारे कौन है बेटा, मेसोफिल सेल्स हैं जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स। आप एक चीज़ देख रहे होगे, आप इन इमेजेस को देखो बेटा, और इन इमेजेस को देखने के बाद एक चीज़ आप देखेंगे, मैं आपको इधर उधर हो जा रहा हूँ, आप पूरे इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ एक चीज़। आपने देख लिया इमेजेस देखने के बाद आप एक चीज़ देख रहे हैं बेटा, हर सेल्स की इमेजेस जो है उसकी शेप जो है वो बेटा एक दूसरे से क्या है, चेंज है। जैसे अगर हम लोग नर्वस सेल्स की बात करें तो इसमें बेटा ब्रांच है, लॉन्ग है। रेड ब्लड सेल्स की बात करें, राउंड है, बाइकॉनकेव है। वाइट ब्लड सेल्स एमोबॉइड है। आपके कोलोमनरी एपिथेलियम है जो वो कैसे हैं बेटा, लॉन्ग है, नैरो है। हमारे ट्रैकीट्स जो हैं वो बेटा कैसे हैं, इलॉन्गेटेड है। मेसोफिल सेल्स जो है बेटा राउंड है और ओवल है। आप देख क्या रहे हो बेटा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के डिफरेंट शेप है। वजह क्या है, इनके फंक्शन के आधार पे ही बेटा इनकी सेल्स क्या होती है, उनकी जो सेल्स की शेप होती है वो डिसाइड होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन करना है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स को क्या करना होता है बेटा, इम्पल्स बेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने होते हैं तो वो ब्रांच्ड होती है। रेड ब्लड सेल्स को बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो राउंड है, बाइकॉनकेव है, और उसी में वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करती है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इन्फेक्शन में काम आते हैं, डाइपेडाइसिस करके बेटा हमारे ब्लड वेसल से बाहर जाते हैं और इन बैक्टीरियल सेल्स से हमें रक्षा करते हैं, तो ये बेटा एमोबॉइड होते हैं। इनको पोरस सेल से निकलना होता है, पोरस पोर से निकलना होता है हमारे ब्लड वेसल्स के डाइपेडाइसिस के समय, तो ये एमोबॉइड होते हैं। कोलोमनरी एपिथेलियल है, ऐसे ही हमारा वो बेटा लॉन्ग है, नैरो है। ट्रैकीट्स आप देख रहे हैं बेटा दोनों तरफ टेपरिंग एंड है और हमारे कैसे हैं, इलॉन्गेटेड है, जबकि हमारे मेसोफिल सेल्स को आप देख रहे हैं बेटा राउंड और एलो देखने को मिल जा रही है। जबकि एयर के सेल्स को आप देखें, एक यूकेरियोटिक सेल वो अलग है, बैक्टीरिया सेल अलग है, पीपीएलओ अलग है और वायरसेस अलग है। तो जैसे जैसे सेल्स की फंक्शन होती है बेटा वैसे वैसे हम सेल्स के क्या देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर भी देखते हैं। बेसिक कंपोनेंट अगर हम अपने सेल्स की बात करें तो वो हमारे पास बेटा तीन होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, सेल बाउंड्री, जिसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन
और कुछ कुछ सेल्स में सेल वॉल भी देखते हैं। दूसरा बेटा हमारा साइटोप्लाज्म है, तीसरा हमारे जेनेटिक मटेरियल्स। ये तीन चीज़ हमें कोई भी सेल्स हो, चाहे वो दुनिया का, चाहे वो हमारा प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, डजंट मैटर, लेकिन सभी सेल्स में ये तीन चीज़ें पाई जाएंगी। पहली सेल बाउंड्री, जो कि हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिर्फ बनी हो, या हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी बनी हो, साथ में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और हमारी जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल जाती है राइबोसोम्स के साथ। अब अगर हम बात करें बेटा साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेटा हमारा क्या है, मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज कहलाता है। और क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है उसमें बेटा हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक साइटोसोल और एक ट्रोपोप्लाज्म। साइटोसोल जो है वो लिक्विड वाला पार्ट होता है हमारे साइटोप्लाज्म का, जबकि ट्रोपोप्लाज्म जो होता है वो हमारा सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें हम लोग बेटा सेल ऑर्गेनाइज लिविंग स्ट्रक्चर और ड्यूटियोप्लाज्म नॉन लिविंग स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ये पार्ट हमारा सॉलिड पार्ट है, ये साइटोसोल वाले पार्ट हमारे लिक्विड पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के। ड्यूटियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स हमारे हैं, जो कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बेटा लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारे प्रोकैरियोट्स में पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, जबकि ड्यूटियोप्लाज्म हमारे कैसे हैं बेटा, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसमें हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, पॉजी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर डिटिश है, जबकि ड्यूटियोप्लाज्म में बेटा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो वो होते क्या हैं, सुन लीजिए, इट्स मेड अप ऑफ स्टोर्ड फूड एंड सिक्रेटरिंग सबस्टेंस लाइक मिनरल्स, सुगर्स, अमीनो एसिड एंड विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड। होता क्या है बेटा कि जो हमारे ड्यूटियोप्लाज्म होते हैं वो कई सारी चीज़ों के स्टोर से बनते हैं, और ये कुछ होते नहीं है, ग्रैनुल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ये हमारा ड्यूटियोप्लाज्म कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, तो हमारी सेल की बात आती है, तो सेल देखिए बेटा हमारे दो टाइप के पाए जाते हैं, एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दूसरा हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अगर इनको देखा जाए बेटा तो प्रोकैरियोटिक सेल आप देखेंगे तो इसमें बेटा हम डिफरेंस क्या देखते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होती है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो बेटा यहाँ पे देखोगे आप वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब बात आती है कि वेल डेवलप्ड का क्या मतलब है, कहने का मतलब सीधी सीधी बात ये है बेटा कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे साइटोप्लाज्म में क्या है, पूरा बिखरा हुआ पड़ा है क्लियरली। जबकि हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो तो न्यूक्लियस का बेटा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और यही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होने की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साइटोप्लाज्म से जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देता है, पूरी तरह से अलग कर देता है। और हम देखते क्या है बेटा कि इस न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर की अगर लिक्विड पार्ट की बात करें तो उसे हम लोग क्या कहने लगते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहने लगते हैं। आगे बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी सी हम लोग, क्योंकि 9th क्लास है तो यहाँ पे थोड़ी सी लिखने वाली भी चीज़ें होती है, तो याद कीजिए बेटा इसमें क्या लिखा, फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, लैक सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। याद रखिएगा इनके पास क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है वो क्या होता है बेटा, पूरी तरह से एब्सेंट होता है, जबकि ये बेटा यूनिसेलुलर होते हैं और साथ में मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, और जो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन के रेट को देखते हैं तो बहुत तेज़ी से करते हैं बेटा। साइज की बात करें तो ये 0.2 से लेके 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्म को देख सकते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरीवेयर, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिवर्सल प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सली प्रेजेंट होने की वजह से वो बेटा हमारे वाटर, सॉइल और रॉक्स सभी जगह पे क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे आपके बैक्टीरिया के शेप दिए हुए हैं बेटा, जैसे कोकाई हमारे जो स्पेरिकल शेप्स है, रॉड सेल्स की हमारी पेसलाई होती है, कामा शेप की हमारी ट्रियो होती है, और स्पेरिलम शेप की हमारी जो है वो स्पाइरुलम है, जो स्पाइरल शेप में देखने को
मिलती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के हमारे बैक्टीरियाज आप देख पा रहे हैं। आगे अगर बात करें बेटा तो कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में हमें कैप्सूल देखने को मिलता है जो कि हमारा सेल एनवेलप है। यहाँ पे जो सेल एनवेलप बनता है बेटा वो हमारा होता है कैप्सूल और सेल मेम्ब्रेन को मिला के, और सेल वॉल भी उसमें पाए जाते हैं। इन सभी को मिला के हम लोग सेल एनवेलप बोल देते हैं, कैप्सूल और सेल मेम्ब्रेन को मिला के, साथ में हमारा सेल वॉल है। आप देख रहे हो बेटा कि अगर प्रोकैरियोटिक के कंपोनेंट देखे जाएँ तो बाहर से आप देख रहे हो कैप्सूल है सबसे अपर मोस्ट लेयर, उसके बाद बेटा सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। याद रखिएगा यहाँ पे कैप्सूल लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे स्लाइम लेयर भी लिखा होता है, क्योंकि ये बेटा लेयर हमारी ग्लाइको कैलिक्स की लेयर कहलाती है, ठीक है। साथ में आप क्या देख रहे हो कि अगर अंदर देखा जाए इस लेयर के अंदर तो आप देख रहे हो बेटा क्या हमारा साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे डीएनए देख रहे हो जो कि हमारी क्या है बेटा बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पड़ी हुई है, इसलिए इसको बेटा हम लोग न्यूक्लियस न कह के इसको क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड कह देते हैं या जीनोफोर कह देते हैं। साथ में आप क्या देख रहे हो बेटा यहाँ पे आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल जा रहा है, साथ में हमारी प्लाज्मिड है और फ्लैजिला है। प्लाज्मिड क्या है सुन लीजिए, ये हमारी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपके स्ट्रक्चर होते हैं, डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं, उन्हीं को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये बेटा हमारे बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, जब आप क्लास 12th में आएंगे तो वहाँ पे आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा वेक्टर के रूप में पढ़ने को मिलेगा। फ्लैजिला है और पाइलस है बेटा, दो चीज़ें हैं। पाइलस जो है बेटा ये हमारे अटैचमेंट के लिए होते हैं, जबकि हमारी फ्लैजिला जो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के सेल में, ये हमारी क्या करती है बेटा इनको एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कराने में मदद करती है। पाइलस जो है ये क्या करती है बेटा अटैचमेंट के लिए होती है। साथ में सेल एनवेलप की अगर देखी जाए तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल कंसिस्टेड ऑफ बेटा कैप्सूल नहीं, आप याद रखिएगा ग्लाइको कैलिक्स होता है, जो कि हमारा दो तरीके से पाया जाता है, अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं स्लाइम लेयर के रूप में और कैप्सूल के रूप में। अगर वो बेटा हमारा कैसा होता है, स्मूथ होता है तो हम स्लाइम लेयर बोल देते हैं, अगर वो टफ होता है तो हम क्या करते हैं उसको अपना कैप्सूल बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया सेल है तो यहाँ पे मोस्टली हमारा टफ होता है, तो इसलिए इसको कैप्सूल बोला जा रहा है। प्रोटेक्टिव कवरी, प्रोटेक्टिव कवरी में सबसे ऊपर अपर मोस्ट कैप्सूल होते हैं, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद हमारा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कैप्सूल मेड अप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर मेरी लोग, याद रखिएगा कैप्सूल जो है वो बेटा हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा भी है बेटा मे बी लूज, अगर ये कैप्सूल लूज होते हैं तो हम लोग इसको बेटा कैप्सूल नहीं क्या कहते हैं स्लाइम लेयर बोलते हैं। अब बात आती है बेटा हमारे सेल वॉल को लेके, मेडअप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेट। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इनकी सेल वॉल बनी होती है बेटा किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। साथ में प्रोवाइड सेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये इनके फंक्शन होते हैं बेटा क्या करना, सेप प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, साथ में क्या करना बेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेल ब्रस्टिंग ऑफ द कोलैप्स, यानी कि सेल्स को फटने से और उसको कोलैप्स होने से की स्ट्रक्चर हमारी जो कवरिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बेटा सेल वॉल बोल रहे हैं ये इसको बचाती है। ताजो मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है दैट प्रिवेंट लीकेज एंड अलाउ मटेरियल एक्सचेंज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी थर्ड लेयर आप ये देख रहे हो, कैप्सूल अपर लेयर सेल वॉल एंड इसके नीचे बेटा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमारी है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है बेटा ये क्या करती है, थोड़ी सी पोरस होती है, सेमी परमिएबल होती है, तो सेमी परमिएबल होने की वजह से क्या करती है बेटा ये हमारे मटेरियल एक्सचेंज को अलाउ करती है और साथ में लीकेज से बचाती है, साइटोप्लाज्म लीक ना हो जाए, सेल वॉल कहीं लीक होने के बाद बाहर ना निकल जाए, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो हमारी कैसे होती है परमिएबल होती है तो लीकेज से बचाती है। टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स में आप देख लीजिए बेटा, हम वहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको कैप्सूल कह रहे हैं लेकिन कैप्सूल नहीं, इसको ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से याद रखिएगा। जो सबसे आउटर कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक होती है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि दो तरह से, एक तो स्लाइम लेयर और दूसरी हमारी बेटा कैप्सूल। अगर लूज है तो स्लाइम लेयर, टफ है तो कैप्सूल, यानी कि ऐसे याद रखिए अगर गीली मिट्टी की तरह है तो बेटा
आउटर सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक स्लाइम लेयर बोलोगे, अगर वो गीली मिट्टी सूखने के बाद जैसे हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है, उसकी तरह से है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, कैप्सूल बोलेंगे। आइए कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे पहली डिफरेंस देखो आप क्या है बेटा, हमारी जो प्रोकैरियोटिक की साइज़ होती है वो बेटा जनरली कैसी होती है, स्मॉल होती है, जबकि यूकैरियोटिक की साइज़ हमारी कैसी होती है बेटा, जनरली लार्ज होती है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात करें 0 से 10 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं, साइज जनरली यूकैरियोटिक की अगर देखी जाए तो बेटा 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। दूसरी अगर हम लोग क्या बात करें बेटा कि प्रोकैरियोटिक में हमारी ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होती है, अभी आपने देखा कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारे क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साथ में हम क्या देखते हैं बेटा कि जो हमारी कंटेन सिंगल क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्रोमोसोम सिंगल कंटेन करती है, जबकि हम यूकैरियोटिक सेल जैसे कि हम ह्यूमंस में देख लें तो हम लोगों में बेटा याद है हमारे वायरस कितने होती है, 46 क्रोमोसोम्स, यानी कंटेंस मोर देन वन क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स को कंटेन कर सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सिंगल को करता है। साथ में हम क्या देखते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, सचेज जैसे कि बेटा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाती है। ये बेटा हमारी एक क्या है एक स्लाइड में, एक तरफ हमारी प्रोकैरियोटिक की सेल दी हुई है और दूसरी तरफ हमारी बेटा यूकैरियोटिक की सेल दी हुई है, जिसमें आपको कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें देखिए आप यहाँ पे न्यूक्लियॉइड दिखाया गया है तो यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में, यहाँ कैप्सूल दिखाया गया है, यहाँ कैप्सूल नहीं है, यानी कि यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स है लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स अब्सेंट है, साथ में यहाँ पिलाई है, यहाँ फ्लैजिला है, इनमें ये चीज़ें अब्सेंट है। अभी आप इनमें बेटा कुछ सिमिलरिटीज़ भी है, जैसे कि देखिए साइटोप्लाज्म दोनों में पाई जाती है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में पाई जाती है और राइबोसोम हमारे हैं दोनों में पाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा राइबोसोम को लेकर बेटा यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं सुन लीजिए, हमारे जो यूकैरियोटिक के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेटा हमारे 70S होते हैं, जबकि हमारे यूकैरियोटिक के जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स वो 70S, जबकि यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स को देखोगे तो बताइए यहाँ पे 70S एंड 80S दोनों ही टाइप के राइबोसोम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि 70S के राइबोसोम्स इनके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं, जबकि अगर और 80S की बात करोगे तो इनके साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाते हैं। तो ये रही आपकी एक फिगर है, इसको आप देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूँ थोड़ा सा बेटा, एक बार इसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लीजिए, इसमें आपको बेटा से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी देखने को मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियोल्स है, तो सेंट्रियोल्स तो है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सभी चीज़ें मिल रही है, जबकि इनमें ऐसी कोई चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। यही है आपके सेम कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की टेबल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को क्या करता है बेटा, डिफरेंशिएट करता है, जनरली 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर साइज, जनरली 5 से लेकर 100 न्यूक्लियर रीजन जो होता है यार बेटा, अब इसको देख लीजिए, मैं इसको आपको दे देता हूँ, यहाँ देखो, देखिए बेटा न्यूक्लियर रीजन क्या होती है, पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियर। मैंने बोला पहले ही कि यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या है बेटा, पुअरली डेवलप्ड होती है, डिफाइंड होती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बोलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्रोमोसोम इसमें सिंगल्स होते हैं, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं किसमें बेटा, प्रोकैरियोटिक में, जबकि हमारे यूकैरियोटिक में आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट देखने मिल जाते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की तरह, और यूकैरियोटिक सेल में आप देख पा रहे हैं बेटा एक पूरी फिगर है, जिसे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बेटा साइटोप्लाज्म के बाद बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगी,
गॉल्जी अपैरेटस मिल जा रहे हैं, राइबोसोम्स मिल जा रहे हैं, न्यूक्लियस मिल जा रही है वेल डिफाइंड अपने डबल मेम्ब्रेन के साथ, लाइसोसोम मिल जा रहे हैं, न्यूक्लियोलस मिल जा रहे हैं, सेंट्रियोल्स मिल जा रहे हैं, जबकि हमारे इसमें रेटिकुलम और माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिल जा रहे हैं। जबकि ये सभी सेल ऑर्गेनल्स जो होते थे बेटा, ये प्रोकैरियोटिक में हमारे अपसेल होते थे। यहाँ पे बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस को पढ़ने के बाद हम थोड़ी सी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। याद रखिए बेटा, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड है, लेकिन इसको बेटा हम इसलिए स्पीड अप रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेटा बस मेन टॉपिक को ही कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इनके अपने डिफरेंसेस की बात की जाए बेटा, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। ये इमेज बेटा अपने हमारे क्या नाम है NCERTs में है, वहाँ देख लीजिएगा। और साथ में बेटा हम यहाँ पे देख लें, अगर सेल वॉल की बात करें तो बेटा प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में ये पूरी तरह से एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन बेटा हमारा क्या है, दोनों में प्रेजेंट होता है। सेल से अगर बात करें बेटा प्लांट सेल की, तो वहाँ पे बेटा फिक्स होती है, जबकि हमारे एनिमल सेल में ये चेंज हो सकती है। प्लास्टिड की अगर बात करें तो बेटा प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि हमारे एनिमल सेल में अपसेंट होती है। आगे बात करते हैं बेटा, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अपने यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले अपर मोस्ट हमारा कौन है बेटा, सेल वॉल, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स आई नहीं जाती है। तो सेल वॉल के थोड़े से फंक्शन की बात करेंगे, सेल वॉल्स है क्या बेटा इसकी बात करेंगे, सेल वॉल्स बने किससे हैं इसकी बात करेंगे। क्योंकि बाउंड्रीज है, साइटोप्लाज्म पढ़ना है और सेल ऑर्गेनाइज पढ़ना है, वैसे ही चीज़ें पढ़ने में सारी सारी। फिर प्रोकैरियोटिक अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया। प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने बाइंड्री देखी बेटा ग्लाइकोकैलिक्स की, सेल वॉल की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे, और साथ में हमने क्या रख लिया कि जो इसकी जेनेटिक मटेरियल थी साइटोप्लाज्म में फ्रीली कोप कर रही थी। तो वो अब यही सेम चीज़ हम यूकैरियोटिक के लिए देख रहे हैं। यूकैरियोटिक की जो सेल बाउंड्री है, सेल वॉल, वो हमारे बने होते हैं लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग से, व्यवस्थान से आप कह सकते हैं, या मॉलिक्यूल से बने हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल से बने होने का क्या मतलब है बेटा, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल देखोगे आप तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, जो कि हमारी बेटा होती है जिसकी प्रोटीन्स प्लस नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स की। जबकि आप किसकी बात करें बेटा, प्रोटिस्टन के सेल वॉल की बात करें तो उसके पास बेटा सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल मिल सकती है, और सिलिका से बनी हुई सेल वॉल मिल सकती है, जैसा कि हम लोग डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट में देखने को मिल जाती है। जबकि फंजाई की अगर बात करेंगे बेटा, तो फंजाई में जो हमारी सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन्स की बनी होती है, जबकि फंगल सेलुलोज और डिजायरेबल ग्लूकोसेरामाइड्स की होती है। जबकि अगर एल्गल की बात करें, यानी कि एल्गी की अगर बात करें,